तो जैसे कि अभी हम सबको पता है कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं उनमें एक ब्लैक फंगस नाम की चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो ज़्यादातर लोग उसके बारे में कुछ कुछ कहानियाँ जानते हैं, और डिटेल में कहानी जानने के लिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनिसेंस पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस के बारे में। म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस एक ऐसी कंडीशन है जो कि एज पोस्ट कोविड सिम्टम आपके बॉडी में दिखाई दे रही है। ऐसे कई लोग हैं जिनको ये म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगल डिजीज़ जो है वो कोरोना होने के, उससे रिकवर होने के बाद हो रहा है। ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम है, क्या डायग्नोसिस है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं म्यूकोर माइकोसिस है क्या भला, या ब्लैक फंगस जिसको कहा जा रहा है ये है क्या। तो म्यूकोर माइकोसिस या जाइगो माइकोसिस दोनों एक ही बात है। पहले इसको जाइगो माइकोसिस कहा जाता था, लेकिन फिर इस वर्ड को बदल के म्यूकोर माइकोसिस एक कॉमन टर्म रख दिया गया। तो ये एक सीरियस कंडीशन है, साथ ही साथ एक बहुत रेयर कंडीशन है। रेयर फंगल इन्फेक्शन है ये। इसका ऑर्डर जो है वो होता है म्यूकोरल्स, और स्पीशीज होती है म्यूकोराइजो और राइजोपर्स, ठीक है। तो ये जो सारी है ये स्पीशीज है। फिर बात कर रहे हैं इसके सोर्सेज, आखिर ये आते कहाँ से। तो सॉइल या जो डैम वॉल्स होती है पुरानी किसी बिल्डिंग्स की, वहाँ से ये आ सकते हैं। छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, है ना, तो वो स्पोर्स उड़ते उड़ते अगर आपके बॉडी में पहुंच जाते हैं तो आपको ये हो सकता है। टाइप्स इसके 5 होते हैं, राइनो सेरिब्रल, पल्मोनरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और डिसेमिनेटेड। ये 5 तरीके के टाइप होते हैं म्यूकोर माइकोसिस के। ये बेस्ड हैं उस पार्ट ऑफ बॉडी पर जहाँ पर ये अटैक करते हैं। जहाँ अटैक होगा वहाँ पर उस हिसाब का टाइप होगा, ठीक। अब हम थोड़ा इनका डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं, सॉरी, ये जो टाइप्स हैं, टाइप किस लोकेशन पे होते हैं वो मैंने ब्लू में लिखा है, और उस लोकेशन पर क्या सिम्टम होते हैं वो मैंने ग्रीन में लिखा है। तो सबसे पहले राइनो सेरिब्रल, राइनो सेरिब्रल जो म्यूकोर माइकोसिस है उसमें क्या होगा, उसमें आपकी 2 चीज़ें इन्वॉल्व होगी, पहले साइनस, दूसरा ब्रेन। कोरोना के केस में ये वाला जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। आमतौर पर ये तब होता है जब किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर किसी भी तरीके का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या किसी की इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी चल रही हो, तब ये आमतौर पर होता है। इसके सिम्टम्स हेडेक, नेज़ल कंजेशन, ब्लैक लीजन्स ऑन द नेज़ल ब्रिज और फीवर। फिर है पल्मोनरी, पल्मोनरी में फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर इसके बाद आते हैं आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में गट, क्यूटेनियस में स्किन, डिसेमिनेटेड में ब्लड स्ट्रीम। तो साइनस और ब्रेन यानी कि जो राइनो सेरिब्रल है उसमें क्या होगा, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग होगी जो कि आमतौर पर आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आ रही है बहुत। हेडेक होगा, नेजल या साइनस कंजेशन हो सकता है, ब्लैक लीजन्स जो आपका नेजल ब्रिज होता है ना, जैसे आप मुंह खोलेंगे तो ऊपर की तरफ जो तालू जिसको कहते हैं हिंदी में, उस पर यहाँ पर जो मैं बना के ड्रॉ कर रही हूँ ना, यहाँ पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्लैक घाव बन जाएंगे, और फीवर भी हो सकता है इसके अलावा। फिर बात करें हम पल्मोनरी की, तो पल्मोनरी में क्या होगा, ये लंग को अफेक्ट करेगा। लंग्स में क्या, लंग्स अफेक्ट होंगे तो क्या क्या इशू देखने को मिलेगा, फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में हमारी गट जो है वो अफेक्ट होगी, और गट की कहानी कुछ ऐसी कि इसमें आपको एब्डोमिनल पेन होगा, नौसिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन के केस में अल्सर, ब्लिस्टर, ब्लैक स्किन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये हो सकता है। और ब्लड स्ट्रीम में अगर पूरा इन्फेक्शन है तो वो मेंटल स्टेटस चेंज कर सकता है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, और इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप उनको नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेन नहीं हो रहा है तो वो आपकी पूरी बॉडी ही जो है अफेक्ट कर देगा। बात करें रिस्क फैक्टर्स की, मतलब ऐसी कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या दिक्कतें, वजहें हैं जिनमें ये ज़्यादातर हो सकता है। तो देखिए, ऐसे तो ये रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि आपकी बॉडी इससे लड़ सकती है इजीली। तो इसके जो स्पोर्स हैं ये किसी डैम्प वॉल से, सॉइल से निकल के ह्यूमन बॉडी में
थ्रू इनहेलेशन आ सकते हैं, स्पोर्स हैं उड़ रहे हैं हवा में आपके बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, और वो फिर जाके इन्फेक्शन कॉज कराएंगे। लेकिन ये इन्फेक्शन इतने आसानी से नहीं होगा, ये इन्फेक्शन तब होगा जबकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो। इम्यून सिस्टम वीक कब होगा? जब ये सारी कंडीशंस हो। अब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है वो आमतौर पर यही काम करती है कि बाहरी पैथोजन से आपकी बॉडी, मतलब बाहरी पैथोजन से आपकी बॉडी के लिए लड़ती है कि कोई पैथोजन उस पर डिजीज़ क्रिएट ना कर सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो यही इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो इस तरीके के स्पोर्स जो हैं वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस, एड्स। एड्स में आपको पता ही इम्यूनिटी भयंकर ही वीक हो जाती है, भयानक तरीके से, तो तब हो सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल्स अप हो जाएंगे, ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने के कारण भी ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। कैंसर, बॉडी वीक, किडनी फेलियर, बॉडी वीक। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होगा, इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी चलेगी, इस वजह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स तो खुद एक तरीके के इम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं। सिरोसिस, मालन्यूट्रिशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कनेक्टेड हैं आपकी, मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं ये इस ब्लैक फंगस के लिए। जब भी ब्लैक फंगस का जो स्पोर है वो आपके बॉडी में आएगा और इनमें से कोई एक कंडीशन आपको है, तो चांसेस है कि आपको ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अब बात करें कोरोना की, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि कोरोना के बाद ही आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आप कोरोना के पेशेंट रहे हैं पहले, या अभी हैं, या आपके पहचान में कोई रहा हो, तो आप नोटिस करेंगे कि उसको वीकनेस बहुत होती है। ये वीकनेस किस तरीके की, ये आपकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो चुकी रहती है, ठीक है। आपको हमेशा बोला जाता है कोरोना में कि अपनी डाइट अच्छी रखिए, डाइट अच्छी रखिए, डाइट अच्छी रखिए। आपको जितनी हो सकती हेल्दी डाइट लेनी है, क्यों, क्योंकि वीकनेस को ओवरकम करना है। तो वो वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए ये ब्लैक फंगस आपके बॉडी पे इन्फेक्शन कॉज कराती है। अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो फिर आपको इजीली ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना के केस में। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना है, कोरोना में एक और चीज़ भी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत दी जा रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा उसके डोज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड शामिल करे गए हैं, तो उसके वजह से भी ये चीज़ और ज़्यादा उभर के आती है। फिर बात करें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे कि किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस ही है? अभी क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, इसके कमेंट्स में कई लोग ऐसे कमेंट लिखते हैं कि हमारे आँख में दर्द है या हमारे आधे सर में दर्द है, क्या हमको ब्लैक फंगल डिजीज़ हो चुका है? तो नहीं, इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते, है ना। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन, जैसे कि कुछ फ़ोटोज़ मैंने शुरू में लगाए थे उस तरीके का, अगर दिखने को मिल रहा है, या फिर इसके अलावा सिम्टम्स वैसे हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो हम मान सकते हैं। फिर इसके लिए आपको फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेजा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड टेस्टिंग होगी। जैसे मान लीजिए आपका लंग रिलेटेड कंडीशन है, क्योंकि जैसे कोरोना है, कोरोना में तो लंग वाला होगा या तो राइनो सेरिब्रल होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा और उनका कल्चर किया जाएगा। जब उनका कल्चर करने पर अगर आपको वहाँ पर फंगस मिलती है तो मतलब आपको वही सेम डिजीज है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरी चीज़ में बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी हो सकती है। अब देखिए, आपने लंग्स वाले केस में या राइनो सेरेब्रल केस में तो आपने रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स ले लिए, लेकिन आप डिसेमिनेटेड केस में, स्किन के केस में क्या करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, टिश्यू बायोप्सी करेंगे और उससे फिर कल्चर कराएंगे। इसके अलावा लंग वाले केस में आप सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, तो आपको लंग्स के बारे में और साइनस के अंदर जो स्वेलिंग होगी, साइनसाइटिस होगा, तो वो आपको सिटी स्कैन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहली है फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी यानी ड्रग्स का यूज़ करना। ड्रग्स कौन सी, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली एंटीफंगल ड्रग्स यूज होंगे, ठीक है। एंटीफंगल ड्रग्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, इसके अलावा है पोसाकोनाजोल और आइसाविकोनाजोल, ये सारी। अब जो कॉमन वाले, जो इकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारे जो ड्रग्स होती हैं वो इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, कोई काम ही नहीं आती है। ये तीनों ड्रग्स एज ओरल टैबलेट या आईवी के थ्रू दी जाती है। इसके अलावा सर्जिकल थेरेपी भी हो सकती है, जहाँ टिश्यूज़ में ज़्यादा दिक्कत है वहाँ उनको हटा दिया जाएगा, जैसे नेजल कैविटी, आई स्ट्रक्चर्स वगैरह हटा दिए जाएंगे। बात करूँ मैं प्रोग्नोसिस की, प्रोग्नोसिस में क्या, बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है इसका हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है।
अभी आप ही लेटेस्ट केसेस पढ़ रहे होंगे कि काफी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो जिनको ब्लैक फंगस डिजीज है, तो वो सीधे डेथ हो रही है उनकी। तो क्यों? क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस बहुत बहुत पुअर है। इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिफर करती है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि राइनोसेरिब्रल है, राइनोसेरिब्रल जो टाइप है उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है 40-70% कह सकते हैं रहती है। तो ये उतना खतरनाक नहीं है, बट फिर भी कोरोना से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना में तो पेशेंट ज़्यादातर बच ही जाते हैं, लेकिन इस केस में तो बहुत ही रेयरली पेशेंट्स बच रहे हैं। तो 40-70% जो है मोर्टेलिटी रेट है किसकी? राइनोसेरिब्रल की। इसके अलावा डिसेमिनेटेड, क्योंकि वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाकर अटैक कर रहा है, तो इसकी जो है 90%, सीधा सीधा 90% केसेस में डेथ हो जाती है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ये है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन और साथ ही साथ आपको एड्स है, तो ये 100% मॉर्टेलिटी रेट में आएगा। तो मतलब इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर है। तो इसके लिए मतलब आप एक चीज़ समझिए, अभी आप कोरोना से तो बच ही रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने आप को इस ब्लैक फंगल डिजीज से भी बचाएं। आप बचाएंगे कैसे? सोचिए, आपको कोरोना हो चुका है, आप ठीक भी हो चुके हैं, आप घर पे आ चुके हैं, आप थोड़ा थोड़ा वीकनेस फील कर रहे हैं, तो आप क्या चीज़ें नहीं कर रही हैं? आपको ह्यूमिडिटी से कोशिश करना है अपने आप को दूर रखना है। जी हाँ, आपको ह्यूमिड कंडीशंस में कम से कम रहना है, या रहना ही नहीं हो सके तो। न्यूट्रिशंस आपको अपने बिल्कुल प्रॉपर रखने, ताकि आपकी बॉडी वीक किसी भी एंगल से ना हो, ठीक है? अब ह्यूमिड कंडीशन से दूर कैसे रहेंगे? आपको ज़्यादातर कूलर का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपको कूलर का इतना इस्तेमाल नहीं करना है। और N95 मास्क का इस्तेमाल आप करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये इन्हेलेशन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, तो N95 मास्क जो है वो आपको बचा के रखेगा। ये छोटे छोटे दो तीन चीज़ें आप करें तो आप इससे बच सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इसमें कुछ और क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोरोना से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है, जैसे कि आजकल कई चीज़ें चल रही हैं कोरोना से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक